नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा में। जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की बात करते हैं, यहाँ पर बात समझिएगा, जब भी हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास और विकास में जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, तो आर्थिक समृद्धि किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में हो सकती है, या आंतरिक सुरक्षा के लिए आपकी आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से खतरा उत्पन्न कर सकती है, इन चीजों को हम लोग इस टॉपिक पर समझने वाले। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों का यूपीएससी और पीएससी का पूरा रेडी हो रहा है, पेपर स्ट्रेटजी वगैरह सारी रेडी हो रही है। मैं एक दो दिन में आप लोगों को फाइनलाइज कर दूंगा कि अब क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेवलपमेंट के लिए आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा होती। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि की जब भी बात करते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा जिससे आप लोग कनेक्ट हो सके। तो आर्थिक समृद्धि की जब हम लोग बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या निकलेगा यहां पर, जब भी हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे, उस पॉइंट को समझने का प्रयास सभी लोग करें। तो सबसे पहले है कि यहां आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे होता है, आपके घरेलू उत्पादन से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। किससे होता है? सकल घरेलू उत्पाद से। पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा। दूसरे पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर जब हम लोग इसकी बात करेंगे कि भाई सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब है कि औद्योगिकरण की हम लोग यहां पर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? औद्योगिकरण की। अब जब कहीं पर भी औद्योगिकरण होगा, तो एक चीज सोचो थोड़ा सा, औद्योगिकरण मतलब अगर हम लोग भारत में औद्योगिकरण की बात करेंगे, तो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग जहां पर भी उद्योगों की स्थापना करेंगे, वहां पर क्या होगा? वनों का ह्रास होगा, वनों का ह्रास होगा। समझते हुए जाना। और जब कहीं पर भी औद्योगिकरण होता है, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। नॉर्मल सी बात है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, कॉमन है। अब जब रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति की आय में क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तभी हम वहां पर जाएंगे, ठीक। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी, ठीक। बचत क्या हो जाएगी, बचत ज्यादा होगी, तो क्या होगा, निवेश ज्यादा होगा, दूसरा औद्योगिकरण हो रहा है तो सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, राजस्व में वृद्धि होती है मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अब जब सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, तो नॉर्मल सी बात है वो स्कीम चलाए, ठीक।
अगर यहां पर इस तरह से देखा जाए तो जब निवेश ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, निवेश ज्यादा होगा तो बैंकों के पास भी पैसा जाएगा। पैसा ज्यादा प्राप्त होगा, होगा ठीक। उससे क्या हो जाएगा, जब निवेश ज्यादा, सारी चीजें बैंकों के पास ज्यादा, तो वो इनको लोन भी ज्यादा देंगे, और लोन ज्यादा देंगे तो औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट एक और आएगा यहां पर, शहरीकरण होगा। शहरीकरण, जहां पर भी उद्योगों का निर्माण होता है वहां शहरीकरण होता है। तो ये तो बेसिकली हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे थे, है ना। जिन पॉइंटों को हम लोगों को समझना है वहां पर हम लोग आप पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, आपकी आर्थिक समृद्धि के कुछ डायनेमिक तरीके हैं जहां पर हम लोग बात करते हैं। अब बात आती है कि आर्थिक समृद्धि, जब भी हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार से खतरा उत्पन्न कर सकती है, प्रश्न लिखिएगा। आर्थिक समृद्धि आंतरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए किस प्रकार से खतरा उत्पन्न कर सकती है, सकती है, स्पष्ट करें। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। अब समझने वाली बात है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से थ्रेड्स बनाएगी। अब समझो, आर्थिक समृद्धि, ठीक, जब हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो नॉर्मल सी बात, एक पॉइंट यही आएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण की हम लोग चर्चा करते हैं, किसकी, ठीक है, औद्योगिकरण की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। इस पॉइंट को हम लोगों को समझना हो, आराम से समझते हुए चलिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना होने पाए। तो सबसे पहले आर्थिक समृद्धि के लिए क्या आवश्यक अंग होगा, पहला पॉइंट अगर यहां पर हम लोग देखें तो आर्थिक समृद्धि के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, औद्योगिकरण होगा। आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे पहला शर्त क्या है, कि औद्योगिकरण हम लोगों को यहां पर करना होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो नॉर्मल सी बात है, उद्योगों से क्या निकलता है, प्रदूषण, तो इससे क्या निकलेगा, इससे प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी, होगी। अब दूसरा पॉइंट यहीं पर आया कि औद्योगिकरण में प्रदूषण की वृद्धि होगी, क्योंकि क्योंकि इससे वनों का विनाश होता है, विनाश होता है, पहला पॉइंट। और जहां पर भी उद्योगों का निर्माण किया जाता है वहां पर जितने वृक्ष काटे जाते हैं
उसकी अपेक्षा वृक्षों की लगाने की संख्या कम होती है, क्योंकि विनाश होगा जहां पर भी, जहां पर भी औद्योगिकरण होता है, करण होता है वहां पर वनों के काटने की अपेक्षा वृक्षारोपण रोपण कम मात्रा में होता है। अब कम मात्रा में होता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी। अब जब प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी तो बाबू एक चीज समझते हुए चलो यहां पर कि प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि मतलब सीधा सा है कि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो जाएगी, यहां पर वृद्धि होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा, वहां का जो वातावरण है जहां पर भी इंडस्ट्री लग रही है तो नॉर्मल सी बात है उसके अलावा भी टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अब जब तापमान में वृद्धि होगी तो नॉर्मल सी बात है प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी। अब जब प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी तो कहीं पर बाढ़ आएगी तो कहीं पर सूखा आएगा, कॉमन सी बात हो जाएगी, क्या आ जाएगी, यहां पर दो तरह की कंडीशन बनेगी, एक तो बाढ़ आएगी, बाढ़ या सूखा। बाढ़ की सिचुएशन बन जाएगी या सूखे की सिचुएशन बन जाएगी, दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग में जाएं तो यहां पर इन दोनों कंडीशन से हम लोग कृषि क्षेत्र की तरफ अग्रसर होते हैं, कृषि क्षेत्र में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब जब कृषि क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा, भविष्य में जो खाद्यान्न उत्पादन है वो क्या कर रहे होगा, इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन की दर में कमी आएगी, इससे क्या हो जाएगा, इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, कॉमन सी बात है जहां पर बाढ़ आएगा सूखा आएगा वहां पर क्या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी या कमी आएगी। तो जब खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इस पॉइंट को समझने वाली बात है कि जब खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग कह रहे हैं क्या आ जाएगी, कमी आएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। अभी एक पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं, और जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा तो हमारी जनसंख्या क्या क्या होगा,
अगर हम अपनी बात करें, अपनी जनसंख्या की बात करें, अपने लोगों की बात करें, तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा। इससे जब इस तरह के संकट उत्पन्न होता है तो नॉर्मल सी बात है, लोगों में जो अपनी जनता होगी वो जनता कैसी हो जाएगी, भुखमरी की शिकार हो जाएगी। तो लोग भुखमरी के शिकार होंगे। अपनी जनता जो है, जब इस तरह से खाद्यान्न में संकट उत्पन्न होगा तो नॉर्मल सी बात है, भारत की जनसंख्या क्या है, अत्यधिक है, विश्व की दूसरी पॉपुलेशन और प्रेजेंट टाइम पे विश्व की पहली पॉपुलेशन बनने जा रहे हैं, तो भुखमरी की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक, लोग भुखमरी के शिकार होंगे। अब जब भुखमरी के शिकार होंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जब लोग भुखमरी के शिकार होंगे तो नॉर्मल सी बात है वो दोष किसको देंगे, सरकार को। तो सरकारी या वो सभी व्यवस्था को ये व्यवस्था वो सभी व्यवस्था का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, जब सभी लोग जो निवासी हैं वो क्या हो जाएंगे, भुखमरी के शिकार होंगे, तो वो क्या करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भैया ये जो सरकार है ये हमारे अनाज का प्रबंध नहीं कर पा रही है। क्यों कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था का विरोध करेगा, क्योंकि सरकारें या सरकार अनाज का व्यवस्था करने में असमर्थ है। आपको याद होगा जब हम लोगों का देश आजाद हुआ था, लगभग 1950 के दशक की बात है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ी हो, नेहरू काल को पढ़ा होगा, तो वहां पर एक चीज आप लोगों को स्पष्ट समझ में आती है, या उस काल के व्यक्ति जो अभी भी जीवित हों, 1950 55 60 70 के दशक के लोग अगर जीवित हों तो कभी आप लोग उनसे बात कीजिएगा, वैसे बहुत बिरले ही होंगे जिनसे आप लोग बात कर पाएंगे। तो उनसे अगर आप लोग बात करेंगे, जैसे मेरी दादी थी, तो उनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि पहले मोटे अनाजों का उत्पादन ज्यादा किया जाता था। क्यों, क्योंकि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले व्यवस्था क्यों, क्योंकि 1950 में जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में क्या था, भुखमरी के हालात थे। हमारे देश के पास क्या, अनाज की व्यवस्था उतनी नहीं थी, जनसंख्या ज्यादा थी, पैसा कम था और अनाज का उत्पादन कम होता था। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था, मोटे अनाज को आयात किया था, और उस समय प्रमोट जो किया गया था खेती में, वो कहा गया था मोटे अनाजों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। क्यों, मोटे अनाज को आप कहीं पर भी फेंक दे, जैसे कि आप बंजर खेत में भी ज्वार बाजरा ये सब डाल देंगे तो नॉर्मल से इसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ही धीरे धीरे करके उग जाते हैं और इसमें आपको पानी भी ज्यादा नहीं देना, इसमें आपको ज्यादा खाद पानी और उन सब की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मली उत्पादन होता है। ठीक, तो इसीलिए मोटे अनाजों के उत्पादन पे उस समय जोर दिया गया था कि अगर जनता भुखमरी की शिकार हुई तो वो क्या करेगी, वो ये भूल जाएगी कि कौन देश आजाद हुआ,
कैसी परिस्थितियों से आजाद हुआ, क्या हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति काम करता है, जैसे अभी हम लोग एक कॉमन सिनेरियो से एकदम लेवल पे, एकदम जीरो लेवल पे आके बात किया, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड आप लोगों को नहीं रखना। जैसे कि मैंने बताया वो काल 1950 का दशक ऐसा था, तो वहां पर ये सिचुएशन थी। तो सेम सिचुएशन अगर हम लोग अभी की भी बात करें, अगर अपने पेट में अनाज नहीं है तो हम लोग परेशान होते हैं, भूख से तड़पते हैं। हम सभी लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेट अपने पेट की रोटी के लिए, कॉमन। ठीक, रोटी अगर आपको उपलब्ध होती रहेगी, तो पुरानी मूवीज में कहा जाता था कि रोटी अगर सभी व्यक्तियों को देते रहोगे तो वो आपकी गुलामी एक्सेप्ट करते हैं। तो उसका रीजन अगर आप पुरातन काल से देखोगे तो वहां से भी चला आ रहा कि हर जमींदार क्या व्यवस्था करता था, रोटी की व्यवस्था कर देता था। बाकी आपके कपड़े लत्ते की व्यवस्था ना भी हो तो काम चल जा रहा है लोगों का, लेकिन रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहां पर भी क्या है, इस तरह की सिचुएशन में सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है, वो होता है रोटी की व्यवस्था करना, अनाज की व्यवस्था करना, जिससे लोगों में असंतोष की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। लेकिन जब उत्पादन ही कम हो जाएगा, लोग भुखमरी की कगार में आ जाएंगे। आप लोगों को याद होगा बंगाल का अकाल, आप लोग पढ़ रहे होंगे इस समय, तो नॉर्मल सी बात है, बंगाल के अकाल में आनंद मठ आप जब पढ़ते हो तो बड़ा मार्मिकता के साथ वर्णन किया गया है कि लोगों का पेट एकदम चिपक सा गया था, लोगों के पास खाना नहीं था, इस तरह की स्थिति थी। लोग तड़प तड़प के भूख से लाखों लोग मर गए थे। तो उसका रीजन क्या है, और उन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो सेम सिचुएशन यहां पर अगर आप लोग कनेक्ट करोगे कि जब भुखमरी का शिकार होगा तो नॉर्मल सी बात है, हम व्यवस्था जो आपके देश में चल रही है, भारत सरकार है, हम भारत सरकार का क्या करेगा, हर इंसान विरोध करेगा। ठीक, अब जब विरोध करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, वो सभी कानून का भी विरोध एवं उल्लंघन करेंगे। अब जब वो कानून का उल्लंघन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह की स्थिति में आपकी आंतरिक सुरक्षा जो होगी, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा कैसी हो जाएगी, आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी। क्योंकि इस जब ये कानून का उल्लंघन करेंगे तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, लूट मार शुरू हो जाएगी, लूट मार, ठीक, आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, में वृद्धि होगी। ठीक, क्या हो जाएगा, लूट मार होगा, आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी। दूसरा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। जैसी समस्या उत्पन्न होगी होगी। अब जब इस तरह की समस्या उत्पन्न होगी तो नॉर्मल सी बात है कि आंतरिक सुरक्षा
आप लोगों की कमजोर होगी, और आंतरिक सुरक्षा अगर कमजोर हुई तो इसका मतलब है देश को आंतरिक लोगों से खतरा उत्पन्न हो जाएगा, आंतरिक लोगों से ही खतरा होगा। अब इसका बड़ा जीता और जीवंत उदाहरण आप लोगों को देता हूं। अभी आप लोगों ने हाल ही में पाकिस्तान को देखा होगा। पाकिस्तान में क्या है इस समय वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में खाने को अनाज नहीं हो पा रहा है। वो विदेशों से आटा मंगा रहे हैं, विदेशों से सारी सामग्रियां मंगा रहे हैं। वहां पर भुखमरी के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जब भुखमरी के हालात उत्पन्न हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है, आपस में लोगों का अंतर विरोध बढ़ रहा है, सरकार के प्रति अंतर विरोध बढ़ रहा है। तो वहां पर क्या हो गया था कि जब गवर्नमेंट आटे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी कि आटा सबको उपलब्ध कराया जाए, तो आटे के लिए लूट मार शुरू हो गई। ठीक, अब दूसरी बात, आटे के लिए लूट मार हुई पहला पॉइंट, मतलब भुखमरी के कंडीशन में क्या हो रहा है, आदमी आदमी का सपोर्ट नहीं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट, वहां पर किसी भी प्रकार से प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है। क्या है, प्रशासन का कोई भी आम नागरिक वहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात, पॉइंट की बात करें, वहां पर क्या है, टेररिज्म बढ़ रहा है। लोग क्यों टेररिज्म बढ़ रहा है, कि भैया मुझे खाने के लिए पैसा दो, कहां बम फेंकना है, कहां ब्लास्ट करना है। वहां पर लगातार लोग एक दूसरे की जगह, जबकि है क्या, सभी एक ही जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन वही लोग जाकर दूसरी जगह पर मस्जिदों में कहीं कहीं पर भी कहीं आम मार्केट में ब्लास्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि चंद पैसों के लिए। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर देश में भुखमरी के हालात हुए तो सरकार के प्रति क्या हो जाती है, आस्था समाप्त हो जाती है। और जब सरकार के प्रति हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, व्यक्ति किसी भी कंडीशन में जाने को तैयार हो जाता है। इसीलिए कोई भी राष्ट्र प्रयास करता है देश में भुखमरी जैसे हालात ना उत्पन्न होने पाए। इसलिए क्या होता है, सरकारें क्या करती हैं, यदि वो रोजगार नहीं दे पाती हैं तो भुखमरी के हालात से लोगों को बचाने के लिए वो करती क्या है, अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करती, जिससे अराजकता ना फैलने पाए और इस तरह की सिचुएशन ना बनने पाए। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि इस तरह की सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े डैम्स का निर्माण करती है। अब यहां समझो दूसरा पॉइंट, अब एक पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया, अब सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सरकार बड़े बड़े बांधों का निर्माण करती है। यहां से तो यह समझ में आ रहा है कि भैया ये बड़ा अच्छा है। ठीक, जब बांधों का निर्माण होगा, मान लो इसे ऐसे समझो कि मान लो कि हमें इस एक्स प्लेस पर, ठीक, एक्स स्थान पर बांध बनाना है, तो इसमें जब हम इस एक्स स्थान पर बांध बनाएंगे तो यहां पर क्या रह रहे हैं, लोग निवास भी कर रहे हैं, लोग निवास कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर वन भी है। तीसरा, यहां पर खेती की भूमि भी है, कि भूमि भी है। ये तीनों पॉइंट यहां पर आप लोगों को देखने पड़ते हैं। कहीं पर भी बात करें हम लोग, किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये तीन चीजें आप लोगों को कॉमन सी दिखाई देती हैं।
लोग वहां पर कहीं पर भी होगा, तो जब जहां पर भी डैम बनाया जाएगा, कहीं पर की भी बात कर ले, हम एक्स स्थान की बात कर रहे हैं, मान लो कि कोई रामपुर, श्यामपुर, मनुपुर, ये सब इस तरह से कोई भी जगह मान ले, तो वहां पर एक जनसंख्या निवास करती है। तो यहां से क्या होगा, जब जनसंख्या निवास कर रही है, वन है, खेती योग्य भूमि है, क्योंकि जो लोग निवासी हैं वो क्या करेंगे, कृषि करेंगे। और भारत को कहा क्या कहा गया है, ये कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात भी कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम यहां पर डैम का निर्माण करेंगे या बांध का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोगों का विस्थापन होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, लोगों का वहां से होगा, क्योंकि यहां से जब लोग हटेंगे, जब जो जनसंख्या निवास कर रही है उस जनसंख्या को जब हम हटाएंगे, तभी तो डैम बनाएंगे, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है, लोगों का विस्थापन होगा। अब समझते हुए चलो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा काम अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट का काम है, ठीक। जब डेवलपमेंट का काम है, यहां पर क्या हो रहा है, लोगों का विस्थापन होगा, और विस्थापन थोड़ा बहुत नहीं होगा, उस पूरी जनसंख्या को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, तो बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, है ना। अब जब बड़े पैमाने पर होगा, तो जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड थी, भूमि थी, वो लोग तो विस्थापित होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, मुआवजा देगी। और जब गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को मुआवजा देगी, तो एक चीज ये सोचो, तो उन्हीं को मुआवजा मिलेगा, जिसको जमीन है, जिसकी खेती बाड़ी की जमीन है उसको मुआवजा मिलेगा, उसके पास धन संपत्ति होगी, वो अच्छी जगह पर फिर से चला जाएगा, वो दूसरी जगह पर जाके क्या होगा, काम करेगा, कि विस्थापित हो गया, चलो कोई बात नहीं, विस्थापन हो गया है, हम दूसरी जगह पर जमीन खरीद के वहां पर कृषि करेंगे। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होंगे जहां पर उनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, वो यहीं पर रहकर काम कर रहे थे, तो वो लोग क्या होंगे, विस्थापित होंगे, और विस्थापित होकर कहां पर जाएंगे, अलग अलग जगह पर चले जाएंगे, क्या होगा, बड़े पैमाने पर जब विस्थापन होगा तो अलग अलग जगह पर जाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा, इस विस्थापन की समस्या में शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समस्या उत्पन्न होगी, होगी कि नहीं होगी। जैसे अपने गांव में मान लीजिए कि आपका गांव रामपुर है, रामपुर में एक प्रॉपर जनसंख्या निवास कर रही है, आज से लगभग 100 200 300 साल से निवास कर रही है वहां पर, तो वो क्या है, फैमिलियर है सभी। लेकिन जब कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति को सरकार वहां पर विस्थापित करेगी, तो नॉर्मल सी बात है, सबके पास तो घर होंगे नहीं, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि जो लेबर तबका वहां पर रह रहा था उसको मुआवजा कितना मिल रहा है, ठीक। तो वो उस मुआवजे से क्या कर लेगा, झुग्गी झोपड़ी का ही तो निर्माण करेगा, तो नॉर्मल सी बात है। अब इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये व्यक्ति शरणार्थियों की यहां पर जब दूसरी जगह पर जाएंगे, तो दूसरी जगह पर क्या हो जाएगी, शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न होगी, और ये समस्या भी बड़े छोटे पैमाने पर होने वाली नहीं है, बड़े पैमाने पर होगी। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये समस्या आएगी शरणार्थियों वाली, तो इनके विस्थापन का क्या होगा, समाधान नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, शरणार्थियों की समस्या का कि समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए, एक तो रोजगार चाहिए,
रोजगार जो वहां पर उपलब्ध था जहां पर ये लोग रह रहे थे, फिर निवास स्थान चाहिए, निवास स्थान चाहिए, रोजगार और निवास स्थान तो बेसिक नीड्स है, ठीक। फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा, एवं शिक्षा अब जहां इन्हें विस्थापित किया जा रहा है वहां पर कितनी जमीन उपलब्ध है, किस आधार पर जमीन है, जिससे जो समृद्ध तबका होगा वो तो सर्वाइवल में चला जाएगा, लेकिन जो निम्न तबका होगा वो क्या हो जाएगा, वो शरणार्थी के रूप में पहुंचेगा वहां पर। समृद्ध के पास पैसा है तो भाई वो तो सब सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो निम्न वर्ग है, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो कहां सर्वाइव कर पाएंगे। अब जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो यहां पर ये समझने वाली बात होगी कि शरणार्थियों की जो समस्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट समाधान नहीं कर पाएगी, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाएगी, निवास स्थान नहीं उपलब्ध करा पाएगी, जिससे और स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं उपलब्ध करा पा रही। तो बेसिक नीड्स तो ये हैं, अगर हम लोग बात करें बेसिक्स की, रोजगार और निवास स्थान अगर यही मिल जाए तो ये चीजें तो वो लोग खुद कर लेंगे, ठीक। इस तरह की सिचुएशन में क्या हो जाएगी, एक तो ये शरणार्थियों के पास रोजगार नहीं, निवास स्थान नहीं, तो दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि यहां पर भी भुखमरी हालत आ जाएगी इनकी, भुखमरी की स्थिति बनेगी, निर्मित होगी पहली कंडीशन अगर हम लोग देखें यहां पर, तो भुखमरी की स्थिति बनेगी। अब जब इस तरह की स्थिति है कि भैया मैं रामपुर में तो खुशहाल जीवन जी रहा था कि बढ़िया अपना जाता था, खेती किसानी अपने पास खेत नहीं थे, लेकिन दूसरों का खेत मैं आधे बटाई में करता था, आधा अधूरा खेत मिल जाता था, बटाई में मिल जाता था, काटने को मिल जाता था, तो हम लोगों को काम मिलता था, लेकिन जब हम विस्थापित हुए तो दूसरे लोग हम पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, हमें कोई बटाई का नहीं दे रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा, भुखमरी की सिचुएशन बन जाएगी। और जब भुखमरी की सिचुएशन बनेगी तो नॉर्मल सी बात है हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे, क्या करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि जब किसानों की जमीन सरकार लेती है तो कई किसान इसमें आंदोलन करते हैं, उसका रीजन क्या है आंदोलन करने का, यही मुख्य रीजन ये होता है कि भैया अगर आपने खेती की जमीन हमारी ले ली, हम खेती किसानी नहीं करेंगे, और मुआवजे में हमें पैसा उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, जिससे हम कहीं पर दूसरी जगह पर जाके जमीन खरीद सके खेती योग्य, जिसमें हम खेती कर सके। आपने तो ले लिया भैया, यहाँ पर अब क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, औद्योगिक क्षेत्र निर्मित होगा, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र तो साहब निर्मित कर दीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या है कि मुआवजे की दर कितनी आप दे रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा इनके आने वाले भविष्य, ठीक। अगर मुआवजा आपने इनकी जमीन जो थी वो गाँव क्षेत्र में, आप लोग देखते होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनते हैं उनकी रजिस्ट्री वजिस्ट्री नहीं हो पाती है, ठीक है, हमारी जमीन थी हमने आपको दे दी, आपने 10,000 रुपए दे दिए, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपके पास जमीन हो जाता है, आप घर बना लेते हो, कच्चा मिट्टी का बना लेते हो, कोई अपना ईंटे का घर बनाता है, तो दोनों सिचुएशन बनती है, जैसे भी जिसके पास आर्थिक स्थिति होती है वो वैसे निवास करता है, और फिर वो उसी गांव में क्या होता है, धीरे 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 आपकी खेती बटाई पे ले लिया, दूसरे की खेती बटाई पे ले लिया, तीसरे की, तो उनका खर्चा जीवन जीवन चलता रहता है धीरे 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 करके, ठीक। लेकिन हम जब दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसी व्यवस्थाएं तो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी ना, कि कोई आपको तत्काल भरोसा तो नहीं कर लेगा ना कि भाई आप आए हो दूसरी जगह से विस्थापित हो गए, आप कैसे नेचर के चुट्टे टाइप के तो नहीं हो, हर व्यक्ति की एक सोच होती है। तो आप उस सिनेरियो में देखिए, मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो आप लोगों को बेसिक से पढ़ाता हूं कि आप लोग कोई भी चीज सोचे तो बेसिक से सोचे। क्यों बेसिक से सोचेंगे, जब बेसिक सोच होगी तभी आप चीजों को और अच्छे से एनालाइज करके उसको आउटपुट में डिलीवर कर पाएंगे, ठीक। तो यहां पर भी अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर भी नॉर्मली क्या हो जाएगा, जब हम कहीं पर भी जाएंगे तो कोई हम पे भरोसा नहीं करता है।
भरोसा करने के लिए उसके एक समय पीरियड चाहिए, और उस समय पीरियड में हमारे पेट में, अगर मान लेते हैं, छोटी से एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं, मान लो कि आपको कोई कंपनी एज ए व्यवहार में वहां पर लोग, उस क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और उन्हें लेबर की जरूरत है, लेकिन लेबर उनको वो चाहिए जो विश्वसनीय हो, और विश्वसनीयता की गारंटी कौन देगा? जहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके परिचित यदि व्यक्ति काम कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो अपने मालिक से कहेंगे कि साहब ये हमारे गांव का है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसे आप काम देंगे तो आपका सामान नहीं चोरी होगा, आपके सामान की सुरक्षा होगी और हम लोग काम और अच्छे से कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है वो जो कंपनी का मालिक होगा वो कहेगा नहीं ठीक है, तुम्हारा अगर परिचित है, तुम्हें तुम जानते हो अच्छे से, तो नॉर्मली इस व्यक्ति को यहां पर बुला, यही होता है। तो उससे क्या हो जाता है, एक धीरे धीरे कारवा बन जाता है लेबर तबके में। अब पढ़ा लिखा योग्य होगा तो नॉर्मल सी बात है इसके पास जॉब हो जाएगी, लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं है और लेबर वर्क का काम कर रहा है, वो खेती में बटाई की खेती लेके काम कर रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, भुखमरी की सिचुएशन में तो पहुंच ही जाएगा जब कहीं दूसरी जगह विस्थापित होगा वो, उसको रोजगार नहीं मिला, अगर उसको निवास नहीं मिला तो झुग्गी झोपड़ी में रहेगा। अब झुग्गी झोपड़ी में रहने का मतलब है बारिश का पानी भी आ रहा है, सूरज की रोशनी, मतलब आपको गर्मी भी लग रही है, ठंडी भी लग रही है और बारिश, तीनों सीजन को आप लोग झेल रहे हो। तो नॉर्मल सी बात क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे जब आपसे कोई कहेगा कि भैया यहाँ पर आप आए हैं आपको कैसा लग रहा है, तो आप 100 बातें सरकार के विरोध में करोगे, मतलब व्यवस्था का आप विरोध करोगे और जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को आप नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, कानूनों का पालन नहीं होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि शहरों के किनारे जहां पर भी झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण ज्यादा होता है, आप वहां पर देखेंगे अवैध कार्य बहुत होते हैं, चोरी है, डकैती है, स्मैक है, चरस है, गांजा है, ये दारू का इलीगल वर्क, तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा कि इलीगल गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं। क्यों गतिविधियां ज्यादा हो रही, क्योंकि मैं आप लोगों को जो चीजें समझा रहा हूं वहां से आप लोग कनेक्टिविटी करिएगा। तो जब हमारी भुखमरी की सिचुएशन है, हमारे पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, हम दूसरी जगह पर विस्थापित होकर आ गए हैं, हम अपने गांव समाज लोगों को छोड़कर आए हैं, हमारे पास काम नहीं है, तो हमें कोई भी काम कह देगा तो हम उस काम को करेंगे, क्योंकि पेट के लिए रोटी आवश्यक होती है। और जब गवर्नमेंट इसी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, हमें वहां से विस्थापित कर दिया गया लेकिन हमारे निवास के लिए कहीं पर भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं दी गई, तो लोग क्या कहेंगे, आपके जो भी सरकारी व्यवस्थाएं होंगी, कानून होगा, उनका अनुपालन नहीं करेंगे, उनका क्या करेंगे, पालन नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अनैतिक नैतिक गतिविधियां करेंगे, कॉमन सी बात है। अनैतिक का काम मतलब बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे आप लोग रैकेट देखते हो, बहुत सी चीजें पकड़ी जाती है, लगातार आप लोग देखते रहते हो न्यूज में कि भाई फलानी जगह पे ये समस्याएं, धमाकी जगह पर, तो आप शहरों के किनारे किनारे जो शहरों का मेन हब एरिया है वहां से झुग्गी हटाई जाती है। तो झुग्गी हटाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, सरकार ये जान रही है कि सारे क्रिमिनल वर्क इन्हीं झुग्गियों के माध्यम से हो रहा, तो अनैतिक क्रिया में क्या होते हैं, ये लोग संलिप्त हो जाते हैं। ठीक, अगर इन्हीं को ये सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी तो अनैतिक क्रियाओं में नहीं संलिप्त होंगे। रोजगार किसी भी व्यक्ति के पास होगा तो वो बम ब्लास्ट करने क्यों जाएगा, वो दारू का इलीगल वर्क क्यों करेगा, वो चरस का वर्क क्यों करेगा, वो कहीं पर चोरी चमारी क्यों करेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर 10 से 5 ड्यूटी करके आ रहा है तो अपने घर जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर उसके पास 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 जैसी भी जॉब है तो हर व्यक्ति अपने घर पे जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाएंगे। ठीक, अब अनैतिक गतिविधियों में कानून का अनुपालन नहीं होगा, अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त होंगे तो नॉर्मल सी बात है इससे क्या हो जाएगा,
इससे आंतरिक सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। और यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है, ये अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं तब तक तो तब भी बहुत गनीमत है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, नक्सलवाद, आतंकवाद, लूट, मर्डर, इस तरह की गतिविधियों में भी ये सभी संलिप्त हो जाते हैं। तो जब इस तरह की गतिविधियां उत्पन्न हो जाएंगी तो ये डायरेक्ट खतरा किसको होगा, इंटरनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा को, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए खतरे की स्थिति बनी रहेगी कि जैसे ही आप उन झुग्गियों के सामने जाएंगे आपकी गाड़ी छीन लेंगे, आपकी पर्स छीन लेंगे, आपका सामान छीन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लोग वहां से जाना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, थ्रेट्स की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कॉमन सी बात है, विस्थापन से ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो दूसरा पॉइंट, आर्थिक समृद्धि से यह भी एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि भैया आर्थिक समृद्धि अगर कहीं पर बढ़ रही है तो यह भी एक पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट पर यदि हम लोग बात करें आर्थिक समृद्धि में, क्या आप लोग देखते हो, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पर, हम लोग क्या करते हैं, संसाधनों का क्या करते हैं, दोहन होता है। भैया कहीं पर औद्योगिकरण होगा, नॉर्मल समझो, औद्योगिकरण होगा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, संसाधनों का दोहन करेंगे, दोहन करते हैं, कॉमन फिनोमिना है, संसाधनों का दोहन करेंगे। अब जब संसाधनों का दोहन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बताइए। अब देखो, जब संसाधनों के दोहन की बात करते हैं तो संसाधन कहां उपलब्ध है हमारे यहां, जनजातीय क्षेत्रों में, संसाधन कहां उपलब्ध है, जनजातीय क्षेत्रों में सर्वाधिक संसाधन है, ठीक। अब जनजातीय क्षेत्र है इन द सेंस, कहीं पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा निवास नहीं करते, जंगली क्षेत्र है, जंगल के क्षेत्र है, वहां पर संसाधन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो संसाधन के दोहन के लिए कहां पर आपको जाना पड़ेगा, जनजातीय क्षेत्रों में। अब जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो कॉमन सी बात, एक चीज सोचो, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम जनजातीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, सर्वाधिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो कॉमन फिनोमिना बनेगा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को विस्थापित करेंगे आप, क्या करेंगे, लोगों को विस्थापित करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें तो जब संसाधनों के दोहन की बात आएगी तो आपको कोयला चाहिए, खनिज चाहिए, है ना, क्या चाहिए, कोयला चाहिए, खनिज चाहिए, लौह अयस्क चाहिए,
अयस्क, इन सब का क्या करते हैं आप लोग? खनन करेंगे, ठीक, इन संसाधनों का खनन करेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। इन सब का क्या करेंगे हम लोग? दोहन करेंगे, करेंगे। और यहीं पर बड़ी संख्या में क्या होगा, जहां पर जनजातीय क्षेत्र निवास कर रहा है, तो यहां पर लोगों का बड़ी संख्या में विस्थापन करेंगे, क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में विस्थापन करेंगे, ठीक। और एक चीज सोचने वाली बात है कि जो ट्राइब्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक। अब यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय लोग, विषम भौगोलिक, क्षेत्रों में निवास करते हैं और यहीं पर सर्वाधिक संसाधन भी पाए जाते हैं, है ना, यहां पर सर्वाधिक संसाधन पाए जाएंगे। अब जब इनको विस्थापित करोगे तो इनके साथ भी क्या हो जाएगी, वही शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न होगी। और दूसरी बात, एक चीज है, जो व्यक्ति जंगल में निवास कर रहा है वो, उनको अगर आप लोग सुविधाएं भी दे दोगे, बने बनाए घर भी दे दोगे, तो फ्लैट में कोई भी ट्राइब्स कैसे निवास करेगा? जब उसका निवास स्थान जंगल रहा है तो यहां पर ये भी समस्याएं आने वाली हैं कि शरणार्थियों की समस्या के साथ साथ वो फ्लैट कल्चर में नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो जंगल में निवास करने वाली जनजाति घरों तक सीमित की जाती हैं, मतलब फ्लैट कल्चर में आप इनको लाने का प्रयास करते हो कि भैया हमने आप लोगों के लिए घर बना दिया है, जंगल को छोड़ो, वहां पर शहरों के बाहर आप लोगों के लिए घर बना दिए गए। तो ये इनको, जब इन जनजातियों को यहां पर सीमित किया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है इन जनजातियों के मन में क्या हो जाएगा, असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाएगा, इनके अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी बात, ये शरणार्थियों की समस्याएं हैं जो वहां पर भी असंतोष होगा और समस्या का क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान ना होकर, दूसरा कई बार ऐसा होता है कि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, असंतोष का भाव उत्पन्न होगा। और जब असंतोष का भाव उत्पन्न होगा तो नॉर्मल सी बात यहां पर क्या हो जाएगी, इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें कि जब असंतोष का भाव उत्पन्न होगा इन ट्राइब्स में, जनजातियों में, तो यहां आप लोगों को थोड़ा सा समझने वाली बात है
कि एक तो शरणार्थियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है जैसे कि हमने वहां पर बात की थी, और दूसरा असंतोष का भाव उत्पन्न होगा तो ये क्या करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे, और व्यवस्था के विरोध में ही ये क्या हो जाते हैं, नक्सल वाद का समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे। जब नक्सलवाद का समर्थन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। दूसरा एक पॉइंट और यहां पर समझने वाला है, यहां पर अगर हम उस पॉइंट को समझने का प्रयास करें तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि कई बार ऐसा भी आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है या सुना है, जहां पर भी अगर थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहां पर एक चीज और आप लोगों को देखना होता है कि जब ट्राइब्स को जंगल से बाहर निकाल के फ्लैट कल्चर में रखा जाता है तो कई बार ट्राइब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनकी जनसंख्या में निरंतर कमी आ जाती है। देखते हैं धीरे 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 उनकी संख्या में कमी आ जाती है, जैसे वो पहले 1000 थे, 1000 के बाद उनकी संख्या लगभग 20 25 30 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यह भी एक प्रकार की समस्या यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक, जैसे कि अंडमान निकोबार की जारवा प्रजाति के साथ हुआ, जो जारवा ट्राइब्स है उसको गवर्नमेंट ने बाहर जंगल से बाहर निकाल कर, क्योंकि वहां पर संसाधनों का दोहन करना था तो वहां पर उनको बाहर निकाला गया और अत्यधिक उनको सुख सुविधाओं के साथ रखा गया, लेकिन वो उनकी संख्या में निरंतर कमी देखने को मिली। और इससे भी एक समस्या ये हो जाती है कि डाइवर्सिटी जो है वो भी आपकी खतरे में आ जाती है, क्योंकि जो जंगल में रह के जंगल की चीजें खाकर और जंगल की चीजों के साथ ही अपने आप को सरवाइव किया है तो वो कैसे आगे आप लोगों के साथ बढ़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हुए। अब यहां पर बात करते हैं कि किस तरह से दूसरा आर्थिक समृद्धि, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आर्थिक समृद्धि। अब इसे समझो फिर से एक अलग डायमेंशन के साथ। सबसे पहले जब हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, आर्थिक समृद्धि में जब हम भी हम लोग बात करते हैं औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना होगा। आर्थिक समृद्धि के लिए क्या होगा, औद्योगिकरण को करण को प्रोत्साहित करना होगा, है ना। कॉमन सी बात है, जब औद्योगिकरण प्रोत्साहित होगा तो रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी, के अवसर में वृद्धि होगी। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि तो गरीबी में कमी आएगी। अब जब गरीबी में कमी आएगी तो नॉर्मल सी बात है, दूसरे एस्पेक्ट से देखो। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्यवस्था का समर्थन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यवस्था का समर्थन होगा, लोग कानून का पालन करेंगे,
पालन करेंगे। दूसरे एस्पेक्ट से सोचो, जब लोग कानून का पालन करेंगे तो इसका मतलब है आंतरिक सुरक्षा क्या हो जाएगी, सुरक्षा मजबूत होगी। पहले क्या हो रही है, हम लोगों ने कमजोरी की बात की, अब बेनिफिट्स क्या होंगे इससे वो वाली बात भी कर लेते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आर्थिक समृद्धि से क्या होगा, आर्थिक समृद्धि से जैसे मैंने वहां पर बात की थी राजस्व में वृद्धि होगी, तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि होने पर राजस्व की अधिक प्राप्ति होगी। ठीक, अब सोचो जब राजस्व को, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी तो सरकार क्या करती है, आप ही के लिए तो काम करती है। और हमारे यहां क्या है, सोशल वेलफेयर की हम लोग बात करते हैं, समाज कल्याणकारी, हम लोगों का जो प्रीएम्बल है उसमें कल्याणकारी समाज की चर्चा की गई है, तो नॉर्मल सी बात है कल्याण की बात होगी, तो यहां पर पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करेगी सरकार, क्या करेगी, जन कल्याणकारी योजना का संचालन करेगी, कॉमन सी बात है। दूसरे पॉइंट में शिक्षा स्वास्थ्य में अत्यधिक निवेश करेगी सरकार, क्या करेगी, शिक्षा स्वास्थ्य में अत्यधिक निवेश करेगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, इनमें निवेश करेगी, इनका अत्यधिक निर्माण करेगी। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, अभी तक तो नुकसान बताया, अब फायदा देखो। ठीक, इससे भी आपको ही लाभ होने वाला है। तो नॉर्मल सी बात क्या होगी, जब हम जन कल्याणकारी संरचना गवर्नमेंट चलाएगी तो वो क्या करेगी, व्यवस्था का जो, जब जन कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी तो लोग क्या करेंगे, व्यवस्था का समर्थन करेंगे, व्यवस्था का समर्थन करेंगे, और जब व्यवस्था का समर्थन करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, कानून का अनुपालन करेंगे, और जब कानून का अनुपालन करेंगे तो फिर क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा, जब स्वास्थ्य और शिक्षाओं की बात करेंगे तो मानव संसाधन के रूप में मानव रूपांतरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानव संसाधन के रूप में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि मानव संसाधन के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, भाई जब आपको शिक्षित कर दिया जाएगा, जब आप योग्य हो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है आप धन उपार्जन की एक मशीन बन जाएंगे। कैसे मशीन बन जाएंगे, कि आपको पहले क्या था, अनस्किल्ड थे, आप अब स्किल्ड हो गए हो, आपको शिक्षित किया गया, आप बीटेक कर लिए हो, आप एमटेक कर लिए हो, आप एमबीबीएस कर लिए हो, आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हो, तो जनसंख्या जब संसाधन के रूप में हो जाए
तो वहां पर क्या हो जाता है, और ज्यादा कलेक्शन की बात होती है। तो मानव किस रूप में आ जाएगा, जब शिक्षित हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, तो नॉर्मल सी बात है मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और संसाधन का मतलब होता है कि रोजगार, रोजगार युक्त होंगे, युक्त होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप टैक्स पेयर बनेंगे, क्या करेंगे, टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। और जब टैक्स देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोजगार युक्त हो रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो गरीबी में कमी आएगी। क्या हो जाएगा, गरीबी में कमी आएगी। और जब गरीबी में कमी आएगी तो नॉर्मल सी बात है आप क्या करेंगे, कानून व्यवस्था का पालन करेंगे। और जब कानून व्यवस्था का पालन करेंगे, इसका मतलब है आप व्यवस्था का समर्थन करेंगे। व्यवस्था का समर्थन मतलब कानून व्यवस्था का पालन, कानून व्यवस्था का पालन मतलब आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। तो यहां पर हम एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक या आर्थिक समृद्धि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की गारंटी है। एक प्रश्न आया, आर्थिक समृद्धि, समृद्धि क्या आंतरिक सुरक्षा की गारंटी देता है, स्पष्ट करें। अब इस प्रश्न को यदि आप लोगों को लिखने के लिए दिया जाए तो आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें कि आंतरिक सुरक्षा क्या हो जाएगी आपकी, क्या कर रही है यहां पर, स्पष्ट रूप से गारंटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ये पॉइंट, ये अब आप लोग इस पॉइंट को लिख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहां पर, तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आप लोग कैसे लिखोगे, इस पॉइंट पे यदि लिखना हो तो सबसे पहला आप लोग थोड़ा सा कुछ चीजें जान लीजिए कि लिखने की शुरुआत आप लोग कहां से करोगे। वो तो मैंने आप लोगों को वहां पर समझाया ही है, लेकिन जब सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में पहले ही टूट रहा, आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा है और आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा है, ये आंतरिक सुरक्षा, और तीसरा पॉइंट आ रहा है स्पष्ट करें। ठीक, तो तीन पार्ट में है, एक दो और तीन, स्पष्ट करना है आपको इस चीज को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका अर्थ देना होगा, अर्थ या परिभाषा कि भैया आप लोगों की आंतरिक एवं आर्थिक समृद्धि क्या है। दूसरे पॉइंट पैराग्राफ में, मतलब ये फर्स्ट पैरा हो जाएगा, सेकेंड पैरा में जब आप जाएंगे तो सेकेंड पैरा में आंतरिक सुरक्षा की गारंटी देता है। तो सेकेंड पैरा में आर्थिक समृद्धि और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की गारंटी के बारे में आपको बताना है। दूसरे में क्या हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि की गारंटी को व्यक्त करता है। मतलब अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने सबसे पहले ये पॉइंट लिया था, ठीक, इस पॉइंट को फर्स्ट पैरा में ले आइए,
इस पॉइंट को फर्स्ट पैरा में लेके चले जाइए, और दूसरा पॉइंट मैंने ये वाला लिया था अभी कि आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से आप लोगों की आंतरिक सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, तो इस वाले पॉइंट को लेके आप यहां पर चले आएंगे। ठीक, जब हम लोग यहां की बात करेंगे तो यहां पर आप दूसरे पॉइंट को यहां उठा के डाल दीजिए, तो ये स्पष्ट करेगा कि गारंटी है या नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट और निष्कर्ष में, तो यहां पर आपको ये बताना होगा कि आर्थिक समृद्धि के साथ आंतरिक सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब लाभ न्याय संगत वितरण हो। क्या हो? लास्ट में निष्कर्ष में जब आप लिखते हो, निष्कर्ष में लिखोगे तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि आंतरिक आंतरिक सुरक्षा को तभी मजबूत करेगा जब लाभ का न्याय संगत या न्यायोचित संगत। अब देखो यहां पर न्याय संगत दो वर्ड आ गया, अगर यहीं पर न्यायोचित कर देते हैं तो एक शब्द आ जाएगा, न्याय संगत या न्यायोचित ढंग से वितरण हो, क्योंकि पूरा का पूरा गेम मेंस में जब भी आप लोग बात करते हो तो बाबू मेंस में 150 शब्दों के एक सीमांकन आप लोग खींच लीजिए, जहां 200 शब्द हैं, 250 शब्द हैं, तो कोशिश करिए 150 से 180 शब्दों के बीच में, और जितना कंसाइज कर सकें, जितना आप कंसाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको लाभ यहां पर प्राप्त होगा। नॉर्मल सी बात है कि हम इतना लिख दें या इतने को पॉइंटर्स में धीरे 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 पॉइंटर्स में लाने का प्रयास करना शुरू करिए आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोगों का पीसीएस का एग्जाम तो अक्टूबर नवंबर में जा रहा, यूपीएससी का एग्जाम अभी आप लोगों का जून में कंसीडर हो जाएगा, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं बहुत जल्दी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि यूपीएससी वाला जो है वो हम लोग जल्दी करेंगे, पीसीएस वाला भी हम लोग पैरेलल लगा के चलेंगे धीरे 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 धीरे, पहले यूपीएससी देन पीसीएस। ठीक, तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि यूपीएससी वाले छात्र पीसीएस का भी देख लेंगे, यूपीएससी का भी देख लेंगे, तो दोनों को एक राय आइडिया मिल जाएगा, स्ट्रेटजी जो होगी उसमें एक राय आइडिया मिल जाएगा कि मोटा मोटा अब आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अब फोकस किन किन पॉइंटों पर आप लोगों को ज्योग्राफी में करना है, हिस्ट्री में करना है, पॉलिटी में करना है, इकोनॉमिक्स में करना, साइंस में करना, इवन करंट अफेयर्स में भी कहां से आप लोगों को पढ़ना है, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब दूसरा, यदि हम लोग यहीं पर कहें कि आर्थिक समृद्धि को आंतरिक सुरक्षा मजबूत या आर्थिक समृद्धि से, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग यहां पर देखें, क्या आर्थिक समृद्धि से आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है, क्या आर्थिक समृद्धि से आंतरिक सुरक्षा हमारी मजबूत हो सकती है, हो सकती है या नहीं? इसकी व्याख्या करें, या यहीं पर ये कह दे आर्थिक समृद्धि से, समृद्धि से किस प्रकार से
हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ सकती है, स्पष्ट करें, व्याख्या करें, समीक्षा करें, है ना, या टिप्पणी करें। तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को कहीं और भी कुछ समझने की जरूरत है। पॉइंटर्स के साथ हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंटर्स के साथ हम लोग काम करते हैं, तो आप लोगों को चीजें स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगा होगा। बाकी जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट सेक्शन पे लिख के दीजिए, मैं उन पर भी काम करूंगा। बाकी जो चीजें हम लोग कर रहे हैं वो भी हम लोग काम करते चलेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें एक फ्लो में लाने का प्रयास करेंगे कि अब थोड़ा फ्लो बढ़ाना है, थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, थोड़ी क्लासेस की मूवमेंट बढ़ेंगी। तो अब बस आप लोगों का ये है कि आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को लिखने का भी प्रयास अब आप लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय जो है आप लोगों का मेंस का बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। पीटी होने के बाद 2 से 3 महीने बाद आप लोगों का मेंस होना है, तो 3 महीने मतलब 90 दिन बाद मेंस भी लगा है। तो अगर अभी से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है आप अक्टूबर आते 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 परफेक्ट हो जाएंगे। अक्टूबर में आप पेपर दीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी और या फरवरी के बीच में आप लोगों का मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो आप परफेक्ट तरीके से, आप लोगों के पास जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर टाइम है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे 22 जून के बाद देख सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है किसी को कि नहीं भाई, क्योंकि ये YouTube पे सारी चीजें आप लोगों को उपलब्ध रहेंगी, तो आप लोग यहाँ पर कंसीडर करके अपनी क्लास कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।